तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग घर देख रहे हो ये है भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अमरपाली दुबे जी के गांव वाला घर, यानी कि उनके बचपन का घर है जो कि गांव में मौजूद है। आपके कौन लगती है अमरपाली जी? भतीजे लगती है। अच्छा, अभी आई हैं यहाँ पे अमरपाली जी? छोटे मतलब 6-7 साल की? 6-7 साल कर रहे हो? 5 साल का भाई इलाज हो चुका है। एक बार आई है यहाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉस पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अमरपाली दुबे का गाँव। जी हाँ दोस्तों, अमरपाली दुबे जी जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा है और अपने अभिनय से लोगों को दिलों को जीता है, है ना। जब भी वो कहीं किसी नई फिल्म में आती है या निरहुआ के साथ में उनकी जोड़ी बहुत सुपर डुपर हिट होती है तो लोग भर भर के थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं गोरखपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है बढ़नी चौराहा, और वहां से हमें जाना है चनहर। ये रास्ता जो आया है बढ़नी चौराहे से और इस साइड जा रहा है, ये यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है चनहर गाँव जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं उनके गाँव लेके। आप लोग को पैदल ही जाना है, अगर कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो उससे निकल चलेंगे, है ना। और गांव में उनका गांव वाला घर दिखाते हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था, और उनके गांव वालों से बातचीत भी करेंगे कि कभी वो यहां पे आई हैं या अभी आती हैं या नहीं। तो दोस्तों ये जो सामने आप लोगों को घर दिख रहा है ये है बढ़नी चौराहा जगह, है ना। यहां से पैदल पैदल हम आए हैं इस रास्ते पर और यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर हमें दिखा रहा है चनहर गाँव, क्योंकि घूम के रास्ता जा रहा है। और अभी देखिए खेतों में सरसों और गेहूँ की खेती है और आम भी, आम का बौर आना शुरू हो गया है, छोटे छोटे आम आ भी गए हैं। तो अभी हम अमरपाली दुबे जी के गांव चल रहे हैं। वैसे मुंबई वाला घर मैंने उनका दिखा रखा है और आप लोगों का आजकल उस पर बहुत ज़्यादा प्यार है और सपोर्ट मिल रहा है उस वीडियो पे, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। ये भी मैं काफ़ी मेहनत करके अकेले वीडियो बनाने आया हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से लेके चलते हैं अमरपाली दुबे जी के गाँव। तो दोस्तों फाइनली हम चलते चलते करीब 1 से 1.5 घंटे चलते चलते हो गए और इस पिछले वाले रास्ते से खेतों से होते हुए आए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक पैदल ही आना था। और हम फाइनली पहुँच गए हैं अमरपाली दुबे जी के घर पर। जी हाँ दोस्तों, अमरपाली दुबे का जो गांव में घर है वैसे तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक अंकल और आंटी यहाँ पर आए हुए हैं और वो रुके हुए हैं। ये लोग भी उनकी फैमिली के हैं, ये गोरखपुर में रुकते हैं अपने घर में, लेकिन यहाँ पे 2-3 दिन पहले आए थे रुकने के लिए। तो अभी ये मौजूद है यहाँ पर और हमारी बातचीत हो गई है। और ये जो पीछे घर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये घर अमरपाली दुबे के बचपन का घर है, उनके पिताजी वगैरह यहाँ पे रहा करते थे, वो भी यहाँ पर आई हुई है। बहुत सारी जानकारी अभी हम अंकल आंटी से लेंगे अंदर चल के, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दिखाते हैं अमरपाली दुबे का बचपन का घर। जो कच्चा रास्ता दिख रहा ना, यहाँ से अभी हम आए हुए हैं और खेतों खेतों से होते हुए हम आए हैं, क्योंकि सामने वाले गांव से बताया गया कि सामने से ही निकल जाओगे, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर से मैं पैदल चलते हुए आ रहा था। यहाँ पर देखोगे तो आम आम के भी पेड़ हैं, और पहले ही मैं ये घर का वीडियो देख के जान गया था कि ये जो घर है वो अमरपाली दुबे का, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, मैंने भी देख रखे हैं, क्योंकि मुझे भी एड्रेस निकालना था इसका। तो यहाँ पर देखोगे तो सरकारी नल घर के बाहर ही लगा हुआ है, और सामने जो घर आप लोग देखोगे ये जो घर है वो अमरपाली दुबे का बचपन का घर है। यहाँ पर बैठे मिलेंगे एक अंकल और एक आंटी जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन ये थोड़ी भोजपुरी बोल रही हैं तो हमें उतना समझ में आ नहीं रहा। अंकल की बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही क्योंकि उनकी बात जो है फिसल जा रही है। तो यहाँ पर पुरानी कुछ ये देखिए बिल्डिंग जैसी नज़र आ रही है, उसी टाइम की है जब उनके पिताजी वगैरह यहाँ पर रहा करते थे, उनके बाबा वगैरह यहाँ पर रहा करते थे, है ना। अब पूछते हैं अभी अंकल आंटी से चल के कि उनका जन्म यहाँ पर हुआ है या मुंबई में हुआ है, ठीक है। वो अभी आई हैं यहाँ पे कभी कि नहीं आई हैं, उनके पिताजी कभी आते हैं या नहीं आते, वो सारी कुछ बहुत कुछ जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे देखिए सरसों कट के आ रही है, सरसों का और गेहूँ का टाइम है और आम के पेड़ों में फल आना शुरू हो गए हैं, तो बहुत जल्द आम की सीजन आने वाली है भाई। तो यहाँ पर जो साइड में भी जगह पड़ी है ये भी पता करेंगे उन्हीं की है या उन्हीं के घर वालों की है या नहीं है। लेकिन सामने जो घर आप लोग देख रहे हो, ये घर आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देख रखा होगा, जो कि अमरपाली दुबे के बचपन का घर बताया जाता है।
पे, ऐसा हमें भी पता चला है और अंकल आंटी भी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो है पूरा का पूरा घर है, सिंगल ही मकान है, एक छोटा सा कमरा ऊपर बना हुआ है, बाहर ये देखिए एक लाइट लगी हुई है, ज़्यादा कुछ बड़ा तो है नहीं घर, लेकिन हाँ पुराना बना हुआ है क्योंकि काफ़ी साल पुराना ये घर है। और अंकल आंटी भी बता रहे कि हम भी यहाँ पे रहते नहीं हैं, और अभी दो दिन पहले ये लोग आए हुए हैं, उनके बगल से रास्ता भी है और कुछ पीछे से, इस तरीके से काफ़ी चौड़ा है, मतलब अंदर काफ़ी चौड़ा है घर और सामने से उतनी लंबाई नहीं है। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, पाए देखिए नीम का पेड़ भी खड़ा हुआ है और लाइट भी हमें लग रहा है चल रही है, तो बल्ब भी जल रहा है। यहाँ पे देखिए अंकल आंटी कहते हैं कि आप लोग आ गए, क्योंकि हम लोग दो दिन पहले ही आए थे, हम लोग भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकते, आप लोग आ गए हो तो आप आए हो तो हम यहीं पर हैं, तो ये अच्छी बात है कि आपको जानकारी काफ़ी मिल जाएगी। इनके घर के पीछे से भी एक देखिए रास्ता आया हुआ है यहाँ पर, है ना, ये भी खसाया नहीं गया, मिट्टी और ईंटों का बना हुआ है पूरा का पूरा, और ये रास्ता इनके घर के बगल से निकलता है। और ये जो इनका घर है वो बिल्कुल खेतों की साइड है, खेतों के बिल्कुल सामने ये यहाँ पे घर मौजूद है। ये देखिए इस तरीके का थंबनेल आप लोगों ने कई सारे वीडियोज में देख रखा होगा, सामने कपड़े फैले हुए हैं, आज लो लाइट है भाई, पता नहीं क्यों, दो दिन से जो है मौसम काफी खराब हो रहा है, तो इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं लाइटिंग की। ये इनका पूरा का पूरा घर है, साइड में यहाँ पे देखिए आंटी ने कुछ सब्जियाँ वगैरह लगा रखी है जो कि अभी तो काफ़ी छोटी हैं, और आम के पेड़ इनके घर के आसपास बहुत हैं। ये देखिए मुंबई वाला जो मैंने घर दिखाया आप लोग, उस पर बहुत सारा प्यार आप लोगों का देखने को मिल रहा है, हम चाह रहे इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। गाँव में ये चीज़ अच्छी होती है, देखिए जितने में घर बना होता है उससे कहीं ज़्यादा जगह जो है हम लोगों के लिए ऐसे खेलने कूदने के लिए या कुछ भी वाहन हो, कुछ भी कोई प्रोग्राम हो छोटा मोटा, तो घर के बाहर ही हो जाए, इतनी जगह हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे भी गांव में ऐसी जगह है, ऐसा ही घर है, तो घर के जितना घर नहीं बनवाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग बाहर जगह छोड़ देते हैं, अपने खेलने कूदने के लिए, अपनी चीज़ें खड़ी करने के लिए, वाहन खड़े करने के लिए, या कभी छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो उसके लिए, तो ये चीज़ें होती है। और इतना अगर घर मुंबई साइड अगर वो बनवाती हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, कई करोड़ों का पड़ेगा, और इतनी जगह जो इतनी ये पड़ी है घर के सामने, ये जो अगर इतना खरीदेंगी तो हालत ही वहाँ पे टाइट होने वाली है। देखिए घर से बिल्कुल इधर से मैं ही आया था, तो ये जो घर है वो दूसरे गांव से ही दिख रहा था मुझे, तो वहीं से एक लड़के ने इशारा करके बता दिया कि वो सामने वाला घर है, आप लोग खेतों से निकल जाओ, करीब एक किलोमीटर पड़ा, फिर मैं खेतों से निकल के आ गया। तो ये जो गाँव से रास्ता पीछे का रास्ता है, ये मेन रास्ता नहीं है, मेन रास्ता उस तरफ से आया हुआ है, क्योंकि मैं पैदल था तो मैंने शॉर्टकट रास्ता यहाँ पे आने का लिया है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं अंकल आंटी से, उसके बाद आप लोगों को बाकी की सारी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मौजूद हैं अंकल और आंटी, जो कि मिल गए, वैसे तो रहता नहीं कोई, रहते नहीं आप लोग ना यहाँ पे, जाना ना बाप रे, जाना ना अपन आ गया फोन करा ना, देखो को तब आए ना फोन नहीं, फोन कर ले इतवा से रिमोट का करो बाबू, जाना ना मन कि ये ना आ रहा। तो ये जो घर है वो अमरपाली के बाप दादाओं का ही है ना घर, बाप दादा का ही घर है ना अमरपाली जी का, हाँ नहीं है वाला, अच्छा अच्छा घर नहीं बना उनका। अच्छा आपके कौन लगते हैं, आपके कौन लगती हैं अमरपाली जी, भतीजे लगती है, अच्छा उनके पिताजी भाई है आपका, अच्छा चेहरे भाई, मतलब आप लोगों के पिताजी भाई भाई थे सगे, हाँ पापा जी के हाँ भाई थे, हाँ तो चचेरे भाई आप लोगों, तो वो कभी आई हैं यहाँ पे अमरपाली जी, छोटे पाल मतलब 6-7 साल की, 6 साल कर रहा लोग हैं, 5 साल का भाई लाइक हो चुका, एक बार आई है, छोटे साल एक बार आई, एक बार आई हैं यहाँ घर वालों के साथ में अपने, हाँ हाँ, और पिताजी उनके, पिताजी उनके और कहाँ जाएंगे, आता भी तो भी हुआ महीना पता दो 3 महीना होता, ठंड के में अच्छा है, अभी लेट हो गई, मम्मी पापा, अच्छा आए तो बताया भी नहीं कि घर पे कोई मिलेगा कि नहीं होगा, नहीं ऐसे आने से पहले बता दो तो घर पे कोई मिल जाए, गलत बात को थोड़ी है कि मतलब पूछ रहे से आने से पहले बता दो तो घर पे आदमी मिल जाए, झूठ बोल रहे, नहीं नहीं मतलब बात थोड़ी है, रहा नहीं, हम आए रहा नहीं है,
अच्छा यहीं रहे थे आप जब आए थे? एक डेढ़ घंटा रुके? एक घंटा रहा। खेती बाड़ी तो होगी उनकी ना यहाँ पे? खेती बाड़ी तो है उनकी कि नहीं है? नहीं, आप लोग भी नहीं रहते ज्यादा है ना यहाँ पे? हम मन आप लोग नहीं गए कभी मुंबई? दोस्तों फाइनली अभी हम आम्रपाली दुबे के चनहर गांव से बाहर निकल रहे हैं। ये जो गांव है हमारे पीछे देख रहे हो, ये चनहर गांव है। यहां से अभी हमें जाना है वापस गोरखपुर। यहां से जा रहे हम लोग भैंसा बाजार। अंकल जो मिले थे वहां पे, उन्होंने बताया था वहां से हमें ऑटो मिल जाएगा, टेम्पो जो भी मिल जाएगा सवारी, हम निकल जाएंगे वहां से गोरखपुर। उम्मीद करता हूँ ये जो गाँव वाला घर था आम्रपाली दुबे का, जहाँ पे उनका जन्म तो नहीं हुआ लेकिन उनके पिताजी यानी कि उनके बाप दादा यहीं पे रहा करते थे। उनके पिताजी ने यहीं मतलब अपना जन्म इनका इनके पिताजी का हुआ, यहीं पे उन्होंने खेती बाड़ी करी। यहाँ से वो जब गए मुंबई तो मुंबई में ही आम्रपाली दुबे का जन्म हुआ। उसके बाद वो 6 से 7 साल की थी तब आंटी ने बताया, एक बार यहाँ पे आई भी थी। उनके पिताजी भी 2-3 महीने पहले भी आए थे यहाँ पर, तो उनकी आंटी की मुलाकात उनसे हुई थी। ऐसा है ना कि ये लोग कुछ गाँव से ज़्यादा लगाव रखते नहीं। आम्रपाली दुबे कभी यहाँ पे आई नहीं, कुछ गांव में ऐसा किया नहीं जिससे इनको लोग इनको याद करें, लेकिन हाँ लोग जानते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे आते जाते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो यहाँ पर यूजरनेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ब्लैक बटन, अब तो आता है, रेड बटन हट गया है, उसको दबा के आप लोगों को और ब्लैक कर लेना है, ठीक है। और पास में आएगा बेल आइकन, उसको दबा के और पे क्लिक कर देना है। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो कर लो, पहले ही बोल दिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।